क्या 10,000 लोगों की मौत का कारण एक स्पीड ब्रेकर बन सकता है? एंड इस गर्ल की स्टोरी को जान के आप भी बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। एंड क्या पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट यूट्यूब चैनल कौन सा है? अगर नहीं तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 6, गाइस क्या हो अगर फोन में ही ड्रोन कैमरा आ जाए? गाइस मोबाइल के शुरुआती दिनों में मोबाइल फोन ज्यादातर कॉल करने के लिए ही आते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने अपना कदम आगे बढ़ाया और मोबाइल फोन्स में कैमरे और अलग अलग प्रकार के फीचर्स को देने लगी। और हाल ही में वीवो कंपनी लाने जा रही है अपने स्मार्टफोन में ड्रोन जैसा उड़ने वाला कैमरा। असल में दोस्तों यह पेटेंट फ्लाइंग कैमरे को लेकर है, जिसमें एक हिडन कैमरा सिस्टम दिया जाएगा, जिसमें 2 कैमरे सेंसर होंगे एंड एक एक्स्ट्रा बैटरी होगी। इसे आप ड्रोन कैमरा की तरह उड़ा सकते हैं और अच्छी क्वालिटी फोटोज एंड वीडियोज भी बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, गाइस दुनिया के सबसे बड़ा नॉन प्रॉफिट यूट्यूब चैनल संदीप महेश्वरी का है, जिनके चैनल पे 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स भी है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो अपने चैनल से 1 रुपया तक नहीं कमाते। असल में दोस्तों उनका मानना है कि उनके वीडियो से किसी एक की भी जिंदगी बदल गई तो समझो उन्होंने पैसा कमा लिया। भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की जन्मदिन की बधाई कॉमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फैक्ट नंबर 4, कानपुर के रहने वाले अंकित अग्रवाल ने फूल.com नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की है, जो कि मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों को इकट्ठा करता है। असल में दोस्तों यह फूलों को प्रोसेसिंग करके अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाते हैं। और गाइस कमाल की बात तो यह है कि इससे कचरा तो कम होता ही है और साथ ही साथ लोगों को रोजगार भी मिलता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों मिलिए केमल गर्ल के नाम से मशहूर एला हॉर्पर से। असल में दोस्तों यह एक दुर्लभ स्थिति के साथ पैदा हुई थी, जिनके कारण उनके घुटने पीछे की तरफ झुक गए थे। हैरानी बात तो यह है कि उसके बावजूद भी ये 1880 के दशक में टर्निंग फेयर शो के स्टार थी, जिसके लिए उन्हें करीबन $200 प्रति सप्ताह मिलते थे। गाइस क्या आप इस केमल गर्ल के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 2, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि 10,000 लोगों की मौत का कारण कभी एक स्पीड ब्रेकर बन सकता है? असल में दोस्तों भारत में 2017 में करीब 10,000 लोगों की मौत सिर्फ स्पीड ब्रेकर की वजह से हो गई थी। भारत में मौजूद स्पीड ब्रेकर कुछ इस तरीके से होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं स्पीड ब्रेकर बनाने के नियम कायदे होते हैं? दरअसल इसकी ऊंचाई और चौड़ाई तय होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता और यही वो कारण है जिसकी वजह से 2017 में करीब 10,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फैक्ट नंबर 1, आईफोन की मेगापिक्सल पावर कम होने के बाद भी वो ज्यादा मेगापिक्सल वाले फोन से बहुत ज्यादा अच्छी फोटो कैसे खींचती हैं? तो गाइस मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फोटो के लिए लेंस, प्रोसेसर, कैमरा रेगुलेशन, कलर, डायनेमिक रेंज और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर किसी फोन में ये सब चीजें अच्छी हैं तो चाहे कैमरा कम ही मेगापिक्सल की क्यों ना हो, उसमें फोटोज 100 मेगापिक्सल से भी अच्छी आएंगी। गाइस आपको ये जान के कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। एंड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।